की होस्ट नीलम, और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशपाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है मेरी रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर सेंड्रीला ने। सेंड्रीला बताती हैं कि हम लोगों की इस स्ट्रीट में एक घर है जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, और अब वो घर मुकम्मल तौर पे अबेंडेड है। कुछ अरसे की बात है, ये दो फैमिलीज़ के साथ ये वाक़या पेश आया, लेकिन जब मैं होश में थी तो मैंने अपनी आँखों से ये वाक़या जिस फैमिली के साथ पेश आते देखा, मैं उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो जो घर था वो बिल्कुल हम लोगों की गली के कॉर्नर पर था। उधर एक फैमिली शिफ्ट हुई जो कि दो मियाँ बीवी थे और उनकी एक बेटी थी जो कि 18 से 19 साल की थी। उस बच्ची ने अपनी आगे की तालीम जो कि कॉलेज में उसने लेनी थी, उसके लिए वो शहर में आ गए थे। उन्होंने अपने गांव वाले घर को छोड़कर शहर में वो आकर रहने लग गए। अभी उनको एक महीना हुआ था। तो इस घर की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि इस घर में इनके आने से पहले भी एक लड़की की डेथ हुई थी, और उस लड़की की डेथ का माजरा भी सेम इसी तरह था। वो जो लोग इधर आकर शिफ्ट हुए थे, ये सारा वाक्या हमने उससे पहले भी सुना था, और जो अब आकर लोग रहे थे, जिस लड़की की डेथ हुई थी इसकी अम्मी ने भी यही बात बताई थी। तो इस तरह हुआ कि एक माह तो ठीक गुजर गया। एक माह के बाद वो लड़की ये कहती थी अपने घर वालों से कि जब भी मैं अपने रूम के वॉशरूम में जाती हूँ तो मुझे बहुत मनहूसियत का एहसास होता है, मुझे यूँ लगता है कोई मुझे देख रहा है। तो वो सारे यही कहते थे कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी अम्मी अब उसको यही कहते थे, क्योंकि उसके और बहन भाई नहीं थे, वो बिल्कुल अकेली थी, तो हर टाइम रूम में होती थी, तो अपनी स्टडी पर टाइम देना इस तरह का। एक माह के बाद हुआ कुछ इस तरह के, वो लड़की कहती है कि एक दिन मैं वॉशरूम में नहा रही थी, तो जैसे ही रोशनदान पर मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पे एक औरत दीवार के साथ चिपकी हुई थी और वो मुझे देख रही थी। मैं चीखे मारती हुई, मैंने बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने और मैं रूम से बाहर भाग गई, और मैं अपनी अम्मी के पास जाकर गिर गई। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पे मैंने कहा कि अम्मी मेरे वॉशरूम में कोई औरत खड़ी है बाहर वाली साइड पे, उसका कद इतना लंबा है कि वो रोशनदान में से मुझे देख रही है। मेरी अम्मी ने इस चीज़ को नहीं माना और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वहम है। खैर, उन्होंने इसको वहम करार दे दिया। एक दिन वो लड़की रात को सोई हुई थी, तो सोए हुए जब उसकी आँख खुली तो वो क्या देखती है कि उसके पैरों की तरफ वही मनहूस औरत खड़ी हुई है। उसकी शक्ल नहायत मनहूस है। जैसे ही वो उठी है उसने अपनी बैक साइड पे देखा तो बैक साइड पे भी वही औरत खड़ी हुई थी। वो चीखे मारती हुई अपनी अम्मी के कमरे में गई और उसने कहा कि आज के बाद मैं इस रूम में बिल्कुल नहीं सोऊंगी, मुझे वो औरत हर जगह पे नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता, ये मखलूक है और इस घर में ही रहती है, ये मुझे नुकसान दे देगी। फिर एक दिन, कुछ दिन गुजर गए, हर चीज़ मामूल पर आ गई। एक दिन वो लड़की अपने घर के वॉशरूम में दोबारा मुँह धो रही थी, जैसे ही उसने शीशे में से देखा तो वो बदसूरत खौफनाक औरत उसके पीछे खड़ी हुई थी, और उसके बालों को उसने बहुत ज़ोर से खींचा, लेकिन बाल खींचते खींचते वो लड़की फिर रूम से बाहर निकल गई। बिलाखिर उसने उस रूम में सोना और उस वॉशरूम को यूज़ करना छोड़ दिया। एक दिन फिर इस तरह हुआ कि वो लड़की रात को सो रही थी तो उसको ख्वाब आया कि तुम लोग इस घर को जितनी जल्दी होता है छोड़ दो, और तुम बेशक अपने रूम में आकर सो जाया करो, आज के बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। वो इसलिए कि मैंने तुम्हें जो कहना था वो कह दिया है कि तुम लोग इस घर को छोड़ दो, और जितनी जल्दी होता है छोड़ दो, तुम अपने घर अपने उस रूम को इस्तेमाल करना शुरू कर दो,
अगर तुम उस रूम में नहीं आओगी तो मैं तुम्हें ज़्यादा नुकसान दूंगी। वो लड़की खैर उस रूम में उसने दोबारा सोना शुरू कर दिया। तो एक दिन वो लड़की कॉलेज जाने के लिए सुबह उठी, अपने अम्मी अबू से मिली, बातें शातें की और उसने कहा कि गर्मी का मौसम था तो मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। वो लड़की नहाने के लिए अंदर गई, कुछ 7 बजे का टाइम था। सिंड्रेला बताती हैं, उसकी अम्मी ने बताया कि 7 बजे का टाइम था। वो लड़की जैसे ही नहाने के लिए अंदर गई तो 7 से 8 बज गए, वो अभी तक बाहर नहीं निकली। तो उन्होंने काफ़ी रूम को नॉक किया लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, आगे से किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। बिलाखिर उन्होंने लॉक को तोड़ दिया और लॉक को तोड़कर वो जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने वॉशरूम के दरवाजे को उसकी अम्मी ने खोला तो वो देखती ही रह गई। वो जो लड़की थी, दुपट्टे को उसने शावर के साथ बांधा हुआ था और उसने फांसी ले ली थी और वो मर चुकी थी। ये देखकर उनके घर में चीखों पुकार का मंजर शुरू हो गया। उन्होंने उस लड़की को खैर दफना दिया गया, फिर वो उस घर को छोड़ गए। और सिंड्रेला कहती है कि उस घर में उस लड़की से पहले भी इसी तरह एक लड़की की डेथ हुई थी, ठीक इसी तरह उसने भी अपने गले में दुपट्टे को बांध कर उसी वॉशरूम के अंदर अपने आप को ख़त्म कर लिया था। वो जो भी मनहूस चीज़ उधर रहती थी वो जान से मार देती थी। वो घर फिर अबेंडेड हो गया, वो घर मशहूर हो गया कि उस घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। उस घर में बकायदा एक चुड़ैल का बसेरा था। वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इधर से उस चीज़ का साया असर हटा सकें, लेकिन वो सब नाकाम हो चुके थे। वो चीज़ उधर किसी को नहीं रहने देती थी, इवन के जो आमिल आते थे उनको भी नुकसान देती थी। उनको उनकी हड्डी या कोई बाजू की हड्डी या टांग की हड्डी टूट जाती थी जैसे ही उस घर में वो आते थे। इस तरह करके ये मामलात होते रहे। बिलाखिर वो जो उस घर का ऑनर था उसने इस घर से तंग आकर इस घर को बंद कर दिया और ये हर जगह मशहूर हो चुका था कि वो घर अबेंडेड है और आज तक अबेंडेड है। अक्सर लोग उस घर में अजीबोगरीब साए मंडलाते हुए देखते हैं। गली के अंदर जो वो घर है तो वो साए मंडलाते हुए नज़र आते हैं। कभी कभार उस घर के अंदर से कच्चे मीट की बहुत स्मेल आने लग जाती है। जब मोहल्ले वाले देखते हैं तो वो सूंघते हुए बंदा उधर से गुजरता है तो उसी घर के अंदर से आ रही होती है। ऐसे लगता है कि जैसे जो गोश्त है वो जल सड़ गया हो, गल गया हो, इतनी गंदी स्मेल उस घर में से आती है। क्योंकि वो जो भी चीज़ है, वो बदरू जो भी है, वो उस घर में रहती है और उसके जो मकासद हैं वो नेक नहीं है, क्योंकि वो उसकी अमाज का है और उधर वो किसी को रहने नहीं देती, जिसकी वजह से वो घर आज तक बंद है। तो लिसनर्स, ये कहानी थी सिंड्रेला की। बहुत शुक्रिया सिंड्रेला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, ऐसे बहुत से वाकयात लोगों के साथ होते हैं। इसी तरह का एक घर था, हम लोगों ने सुना था। एक आंटी हम लोगों के घर आती थी, वो जो ये बताती थी कि उस घर में भी ऐसी ही कोई चीज़ थी, यानी कि उस घर में एक पूरी जन्नत की फैमिली रहती थी। जब वो लोग घर पे नहीं होते थे, यानी कि जो इंसान उधर मकीन थे, जब वो घर पे नहीं होते थे, अक्सर जानने वाले आ जाते हैं जिनको नहीं पता होता कि घर वाले हैं या नहीं हैं। तो जब वो डोर नॉक करते थे, अंदर से एक बुज़ुर्ग शख्स निकलता था जिसने धोती पहनी होती थी, एक लंबी सी कमीज़ पहनी होती थी, सर पर पगड़ी होती थी। तो वो जो भी आता था उसको यही कहता था कि आप अंदर आ जाएँ, आप पानी वगैरह पी कर जाएँ। तो अल्लाह की तरफ से एक दो दफ़ा ऐसे हुआ, उस आंटी ने बताया, तो वो जो भी लोग थे वो काफ़ी हैरान हुए उनको देखकर कि ये तो उनके जानने वाले में से कोई भी नहीं है। तो वो लोग जब उनसे पूछते थे कि आप कौन हैं, तो वो आगे से कहते थे कि हम इनके मेहमान आए हुए हैं गांव से। तो वो लोग वापस चले जाते थे, उनको कुछ शायद हुलिया ही इतना पुरसरार होता था जो भी था। और उस घर में कहते थे कि मिट्टी भी बहुत ज़्यादा रहती थी। फिर इस तरह वो भी घर अबेंडेड है अभी तक, उस घर में भी कोई आबाद नहीं होता। जिन घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं उन घरों को जितना भी साफ़ कर दें वो घर हमेशा गंदे रहते हैं, ऐसे लगता है कि उनमें मिट्टी है। जहाँ पे शैतान जन्नात हों और जहाँ पे नेक मुसलमान, मतलब कि जो कि इबादत गुजार हों, अल्लाह की इबादत करते हों, तो वो सफाई को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो जो लोग कुरान पाक की तलावत और नमाज वगैरह पढ़ते हैं उनको फिर वो तंग नहीं करते। जो लोग इन चीज़ों की पाबंदी नहीं करते फिर वो नेक जन्नात उनको भी तंग करते हैं, या तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर दें, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें, या फिर वो लोग घर छोड़कर चले जाएं। ऐसे वाकयात होते रहते हैं लोगों के साथ। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, आमीन। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है मेरे न्यू स्टोरी सेंडर। उन्होंने अपना नेम मेंशन नहीं किया। वो बताते हैं कि ये जिनकी स्टोरी है वो एक आर्मी ऑफिसर थे और उनका भी नेम वो मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी जॉब पर हैं इस टाइम। तो उनका नेम अगर वो ऑन एयर करेंगे तो इस तरह उनकी जॉब के लिए वो ठीक नहीं होगा।
वो कहते हैं कि उनके जो कज़न हैं उनकी आज से 3 साल पहले की बात है, उनकी इंडिया बॉर्डर वाली साइड पे यानी कि कंट्रोल लाइन पर उनकी जॉब लग गई थी। तो वो जहाँ पर इंडिया का बॉर्डर होता है बिल्कुल सरहद होती है, तो आप खुद सोचेंगे वो जगह सुनसान होती है, वीरान होती है, वहाँ पे आम लोग तो नहीं, आमदोरफ्त तो नहीं होती ना, उनकी उधर जॉब लगी। तो जो ये जिन्होंने स्टोरी शेयर की है वो कहते हैं कि जो मेरे कज़न थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। फिर एक दिन इस तरह हुआ कि उन्होंने वो अपने टाइम पर बाहर गश्त के लिए निकले हुए थे, सारा कुछ देखने के लिए जो उस इलाके में होता है। तो उनको नमाज के वो इतने पक्के पाबंद थे, वो नमाज पढ़े बिना रह नहीं सकते थे। उस दिन वो इशा की अजानों से पहले गए तो उनको काफ़ी लेट हो गया और इशा की नमाज का टाइम हो चुका था। वो बहुत बेचैन थे, वो अकेले गए हुए थे। उन्होंने कहा कि अब नमाज का भी टाइम हो चुका है, मुझे नमाज भी पढ़नी है। अगर मैं अपने ऑफिस तक यानी कि जहाँ पर वो उनकी थी कंट्रोल लाइन सरहद थी, अगर उधर तक जाऊँगा तो मुझे काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैं इधर ही नमाज पढ़ लेता हूँ। वो कहते हैं कि जो इंडिया का बॉर्डर था उसके और इनके दरमियान में एक नदी थी, दरमियान में उस नदी से उन्होंने कहा कि मुझे अब वज़ू करना होगा, क्योंकि अगर मैं तो मैं इसी नदी से वज़ू कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इस नदी से वज़ू करना भी बहुत रिस्क का काम था, क्योंकि साथ ही इंडिया बॉर्डर था, तो अगर वो इस तरह किसी को देखेंगे तो वो फायर खोल देंगे। उन्होंने बड़ा बच बचा कर अल्लाह का नाम लेकर उधर वज़ू वगैरह किया, वज़ू करके तो वो नमाज उन्होंने अदा की। वो बहुत बहादुर आर्मी ऑफिसर थे। अभी उन्होंने नमाज अदा की है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है, तो वो अपने वापस जाने लगे हैं। तो उनको जहाँ से वो दरख्त के पास से गुजरे हैं, यूँ लगा कि जैसे दरख्त के पास से बहुत शदीद गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं, और वो गुर्राने की आवाज़ें सुनकर वो बहुत ज़्यादा अजीब उनको महसूस हुआ कि आखिर ये किस चीज़ की गुर्राने की आवाज़ है। तो वो उस दरख्त के करीब गए तो गुर्राने की आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ हो गई। जैसे वो और करीब गए तो गुर्राने की आवाज़ें इस तरह थी कि जैसे अब वो जो भी चीज़ है वो उनके ऊपर छलांग लगा देगी। ऐसे ही हुआ तो एक बड़ी खौफनाक बला ने उनके ऊपर, उस दरख्त के ऊपर से छलांग लगा दी। जब उन्होंने उस बला का हुलिया देखा, क्योंकि वो टॉर्च लाइट नहीं चला सकते थे, क्योंकि साथ ही इंडिया का बॉर्डर था, टॉर्च लाइट चलाते तो वो फायर खोल सकते थे, वो जो चीज़ थी वो फ़ौरन जब उनके ऊपर आ गई तो उस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया। यानी कि उनके जिस्म के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर उसके दांतों के निशान थे। लेकिन ये बहुत बहादुर आर्मी ऑफिसर थे, और जितने भी पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह पाक की रहमत उनके साथ होती है। तो वो इतने ज़्यादा, उन्होंने उनको नेल्स के निशान उस जानवर के लगे, लेकिन वो भी बहादुर थे। उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने उसके आँखों में अपनी जब फिंगर्स मारी, ज़ोर से उंगलियाँ मारी, तो वो चीज़ फिर भी टस से मस ना हुई। उस लड़ाई के दौरान उन्होंने, मेरे कज़न ने ये चीज़ नोटिस की कि वो जो भी चीज़ है उसको उन्होंने भी बहुत मारा, उसकी आंखों में उंगलियां भी मारी, लेकिन उसको खून नहीं उसका निकला। जहाँ से उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई गैर मरी मखलूक है, ये आम चीज़ नहीं है। उसके बाद खैर उन्होंने आयतल कुर्सी का विर्द किया और ज़ोर से उसके सर को पकड़ कर उसी दरख्त के साथ मारा, तो वो चीज़ उसी दरख्त के अंदर गायब हो गई। गायब होने के बाद वो जल्दी से उठे और उन्होंने, वो अपने ऑफिस की तरफ जाने लगे, तो फिर उसके बाद उनके पीछे कदमों की आवाज़ आने लगी, यानी कि पायलों की आवाज़। सुनसान घना जंगल था जिधर वो गए हुए थे, तो वो जब उन्होंने पायलों की आवाज़ सुनी तो वो फिर बड़े परेशान हुए कि अब ये पायलों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे कज़न ने कहा कि मेरे कानों में ये बात आई कि हमेशा बड़े यही कहते हैं कि ऐसे सुनसान वीरान जगहों पर जब भी ऐसी कोई आवाज़ें आएँ तो पीछे से पलट के ना देखें। तो अब मेरे पीछे एक औरत गुर्राने लगी, यानी वो औरत ही चल रही थी, गुर्रा रही थी और साथ बाबुलंद मेरा नाम ले रही थी और कह रही थी कि रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ, तुम बहुत बहादुर इंसान हो इसलिए अब तुम मेरी बात सुनकर ही जाओगे। उन्होंने पीछे से पलट के नहीं देखा। तकरीबन उस औरत के पीछे उनके चलने से और उनके ऑफिस के दरमियान आधे घंटे का रास्ता था, तो क्या देखते हैं कि अचानक से वो औरत बिल्कुल उनके सामने आ गई है। वो एक चुड़ैल थी जिसके जिस्म के ऊपर इतने बाल थे और उनका, उसका जो कद था वो इतना छोटा अजीबो गरीब किस्म का उसका कद था, क्योंकि जब वो अपने ऑफिस के करीब थे तो उन्होंने उस पर लाइट मारी तो वो बहुत खौफनाक चीज़ थी।
उसको देखकर वो डर चुके थे मुकम्मल तौर पे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर थे उनका, उधर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और अपने ऑफिस तक वो पहुंच गए। वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उन्होंने अपना साइड जो थी वो चेंज कर दी। जैसे ही वो अपने ऑफिस तक पहुंचे तो उनकी हालत बहुत गैर हुई हुई थी और वो बिल्कुल करीब थे बेहोश होने के। उनको उठाकर फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उनके जो गर्दन थी उसके ऊपर, नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान थे अजीबोगरीब जानवर के। तो फिर उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को ये वाकया बताया। उनको पता था कि ये एक पुलिस ऑफिसर हैं और ये झूठ नहीं बोल सकते, इनकी बात पे यकीन करना तो बनता था। तो फिर उसके बाद एक और सीनियर ऑफिसर आया, उन्होंने बताया कि तुम रात के टाइम उस साइड पर अकेले गए हो, उस जंगल में ये चीज़ें होती हैं, वो बहुत घना जंगल है जिसकी वजह से तुम रात के टाइम गए थे, तो उधर ये मखलूक होगी। फिर वो कहते हैं कि वो जैसे कि पुलिस ऑफिसर थे उसके बावजूद उनका वहम नहीं ख़त्म हो रहा था। तो उन्होंने नासा जो भी होता है नासा वालों के साथ कॉन्टेक्ट किया, तो वो जो 30 मिनट उनकी उस जगह पे लड़ाई हुई थी उन 30 मिनट्स में नासा के साथ उस जगह का कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। नासा वाले भी इस चीज़ के बारे में जानने से कासिर हो चुके थे कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या जानवर था जो कि बाद में या तो वो औरत चुड़ैल थी या फिर वो कोई जानवर था, जो भी था खैर वो उस चीज़ के बारे में पता नहीं कर सके। फिर उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को अमेरिका भेज दिया गया, यानी कि जो स्टोरी सुना रहे हैं उनके कज़न को। अमेरिका गए, उनके सैंपल सारे चेक किए, वो ब्लड सैंपल चेक किए, फिर उसके बाद वो जो निशान थे उसके भी सारे सैंपल चेक किए अमेरिका वालों ने कि ये किस जानवर के साथ मिलते हैं, तो उस जानवर का पता ही नहीं लग सका। इस तरह फिर उन्होंने काफ़ी एहतियात की और उसके बाद वो कभी भी उस साइड पे दोबारा नहीं गए, क्योंकि वो जगह अबेंडेड थी, वो लोग सब इकट्ठे जाते थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें वैशी होती हैं, इंसान को नुकसान दे देती हैं, इनसे बचना ही इंसान के लिए बेहतरीन होती है। तो लिसनर्स, ये कहानी थी मेरे एक अननोन सेंडर की जिन्होंने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की अपने कज़न की, बहुत शुक्रिया आपका। तो लिसनर्स, जो लोग मुझे कहते हैं कि उनका नेम ऑन एयर नहीं करना, तो मैं उनका नेम ऑन एयर नहीं करती क्योंकि प्राइवेसी रखना हम लोगों का हक बनता है। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये तीसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं हैदर, जो कि सखर में रहते हैं। हैदर कहते हैं कि सखर में कुछ ऐसे इलाके हैं जिधर ये मशहूर हो गया था कि उधर रात के टाइम कुछ चुड़ैल आती है और वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी देती है, यानी कि लोगों की जो हालात ज़िंदगी थी, आम रूटीन थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई थी उसकी वजह से, क्योंकि जिस गली में वो चुड़ैल आती थी वहाँ पे शॉप्स भी थी, लोगों का आना जाना भी था, आमदोरफ्त थी, वहाँ पे वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा आकर नुकसान देने लग गई थी। और रात के टाइम वो आती थी, जिसको भी देखती थी उसके पीछे पड़ जाती थी, लोग डरते थे, भागते थे और अपनी जान छुड़वाते थे। कुछ लोगों के ऊपर उसका इतना खौफ, हैदर कहते हैं, तारी हो जाता था कि कुछ लोग उनको हार्ट अटैक भी हो गया था। इसी तरह एक बुज़ुर्ग शख्स आ रहा था नमाज पढ़ के, उनके पीछे वो पड़ गई और उसको, उन्होंने जब उसकी शक्ल देखी तो बड़ी खौफनाक वो एक औरत थी जिसका हुलिया बयान से बाहर है। बयान वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता वो क्या चीज़ थी, कितनी खौफनाक बिगड़ी हुई उसकी शक्ल थी वो औरत, लेकिन वो एक बिगड़ी हुई औरत थी, यानी कि अल्लाह का जैसे कहते हैं कि अजाब नाजिल हो जाता है किसी पे, वो ऐसी ही चीज़ थी। उसको देखकर वो बुज़ुर्ग शख्स की ऐसी हालत हुई कि उनको उसी टाइम हार्ट अटैक हो गया। न जाने वो कैसे अपने घर तक बेहोश उधर पड़े हुए थे, हैदर कहते हैं कि वो आगे की बात मैं नहीं जानता, उनको कैसे वो अपने घर तक घर वालों को मिले, वो ठीक हुए, लेकिन वो चीज़ उधर थी, वो अपना असर रखती थी। लोग मोहल्ले वाले इतने परेशान हो गए थे, उस मोहल्ले में जो शॉप्स थीं उसके इर्द गिर्द जो शॉप्स थीं वो भी खौफ की वजह से बंद हो गई। फिर किसी आमिल अल्लाह वाले को बुलाया गया, उन्होंने चिल्ला किया, चिल्ले के बाद उस चीज़ को कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद ये पता लगा कि वो जो चीज़ थी वहाँ पर करीब सखर में पुराना एक कब्रस्तान था, तो उस कब्रस्तान में उस चुड़ैल को कैद किया हुआ था। तो जैसे कब्रें बनती हैं, ज़ाहरी बात है लोग फौत होते हैं, कब्रें बनाई जाती हैं, वो जो भी उधर फौत हुआ था कहीं जहाँ पर उसको कैद किया गया था, वो कब्र जब उन्होंने खोदी तो उस कब्र में से ये चीज़ बाहर निकल आई थी, यानी कि कैद होगी ना उसके अंदर, किसी चीज़ के अंदर कैद होगी तो पता नहीं लगा होगा, वो जिस चीज़ में कैद होगी वो चीज़ का मुँह या खुल गया होगा या जो भी अमल होगा वो टूट गया होगा बुज़ुर्ग का, तो वो चीज़ फिर उधर फिरने लग गई। फिर जिस आमिल ने इसको कैद किया उसको इसने ये बताया, काफ़ी नुकसान हुए, लड़कों की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ लड़कों के ऊपर दौरे भी पड़ने लग गए, उनके हाथ पांव टेढ़े हो गए, उनके मुंह से झाग निकलती थी, माँ बाप इतने परेशान हो गए कि ये आजकल के दौर में भी ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं,
वाजिया होने लगी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सखर एक पुराना कदीम शहर है, उधर आज भी ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसे वाक़यात उधर वजूद रखते हैं। फिर उसके बाद उस चीज़ को जब उन बुज़ुर्गों ने कैद कर दिया, तो उन्होंने उस चीज़ को कैद करके ना तो किसी कब्रिस्तान में कैद किया, ना ही उसको किसी पहाड़ी पे कैद किया। वो एक गंदी गलीज चीज़ थी। उन्होंने उसको ऐसी एक सुनसान जगह पे जाकर पता नहीं कितनी गहराई में, 100 फिट गहराई की गई बाकायदा उस जगह की, बहुत मुश्किल से उस चीज़ को उसके बीच में फेंक कर, जिस चीज़ में भी उन्होंने कैद किया, उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा कि इस जगह के इर्द गिर्द बाकायदा उन्होंने लिख कर लगा दिया कि ये एक हॉन्टेड जगह है, यानी कि इधर कोई चीज़ कैद है, बराए करम इस जगह पे कोई भी इंसान ना आए। लेकिन हैदर कहते हैं कि जैसे कि शैतान जादूगर लोग होते हैं, वो जब भी ऐसी जगहों पर लिख कर लगाते हैं तो ऐसी जगहों पर चले जाते हैं उन चीज़ों को अपने कब्ज़े में करने के लिए। जब वो ये सुनते हैं कि ये एक शैतानी अमल की चीज़ है, तो वो उसको जादू के ज़रिए लोगों को नुकसान देने के लिए ऐसी शैतानी चीज़ों को अपने काबू में ले आते हैं। तो हैदर कहते हैं कि फिर उन पीर साहब को किसी ने कहा कि आप इस जगह से वो जो बोर्ड लगाया है वो हटा दें, क्योंकि जादूगर हजरात इनको इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। फिर उन्होंने उस जगह से बोर्ड हटा दिया, उस जगह पे निशानी को हटा दिया कि कोई चीज़ कोई जादूगर आकर इसको दोबारा अपने इस्तेमाल में ना ले आए, ताकि किसी की और की ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। फिर हैदर कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने हम सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर गए थे, उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया था, उस बोर्ड को, उस जगह को जो मैंशन किया था हॉन्टेड जगह, तो उधर से उन्होंने उसको हटा दिया। फिर इस तरह करके हमारा मोहल्ला दोबारा से आबाद हुआ, उधर लोगों को आना जाना हो गया। लेकिन फिर भी रात के टाइम एक खौफ रहता था, इधर बहुत खौफ आता था कि कहीं वो चीज़ दोबारा ना आ जाए। ये स्टोरी थी हैदर की जो उन्होंने सखर से शेयर की। बहुत शुक्रिया हैदर अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और जिनको चैनल की स्टोरीज़ पसंद आती हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ नहीं शेयर की, तो वो भी अपनी स्टोरीज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे ईमेल आईडी पे, मेरे फेसबुक पे और कमेंट बॉक्स में स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि जो लोग गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं दूसरों के साथ, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक बिल्कुल माफ़ नहीं करता, क्योंकि किसी पर कभी इल्ज़ाम ना लगाएँ। अल्लाह पाक इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। जो लोग अपनी ज़ुबान को अच्छे इस्तेमाल में नहीं लाते, वो जो आज का अच्छा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव मत सोचें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसे ही होता है। पॉजिटिव सोचने से ही इंसान को पॉजिटिव मिलता है, और नेगेटिव सोचने से इंसान के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, क्योंकि वो जैसा सोच रहा होता है वैसे ही आगे से वो देख भी रहा होता है। इसलिए अच्छा सोचें और अच्छा पाएंगे, बुरा सोचेंगे तो हमेशा बुरा पाएंगे। और एंड में अच्छा मैसेज ये दूंगी, अपने वालदैन की खिदमत करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, जब तक इनकी ज़िंदगी है इनसे फ़ायदा हासिल करें। आमीन। और अल्लाह पाक मेरे वालदैन की और आपके वालदैन की लंबी ज़िंदगी, सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी और बरकत वाली ज़िंदगी अता करें। आमीन। इसी दुआ के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालदैन को अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आपको और आपके वालदैन को भी लंबी ज़िंदगी और सेहत अता करें। आमीन। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।